एक गलत कदम और आप सीधा वहां नीचे घरों के पास। अपडेट ये है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। यहाँ देखो भाई अपने लौंडे जेसीबी खुदाई देखते हुए। तो देखो बाइक तो आ नहीं रही है, लेकिन उस बाइक के लिए अपन ने देखो एक नया हेलमेट खरीदा है, तो आप लोग को दिखाते हैं अभी। तो जी स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। बाकी आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गोट विलेज। तो इनकेस अगर आप लोगों ने से पहली वाली वीडियोस नहीं देखी होगी ना, तो हम लोग आए थे नागतिब्बत ट्रैक करने, और गोट विलेज जो है ना इसका बेस एरिया है, यानी कि नागतिब्बत ट्रैक जो है यहीं से स्टार्ट होता है गोट विलेज से, जहाँ पे अभी हम लोग हैं। बाकी आज का प्लान ये है, अभी हम लोग यहाँ से गोट विलेज से जाएंगे देहरादून की तरफ, और अभी हम लोग नागतिब्बत करके आए, जो कि 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर ऊपर गए, 6 किलोमीटर नीचे आए, लगा लो 12 किलोमीटर का ट्रैक अभी हम लोग करके आए, और 2 किलोमीटर अभी हमें और नीचे उतर रहे हैं, और वो भी पूरे के पूरे सामान के साथ। एक बार सामान देखो जरा लौंडों पे भाई, पूरे सबके पास एकदम भर भर के सामान है, और टांगों में ना जो दर्द हो रहा है ना भाई, अल्टीमेट लेवल का। बाकी यहाँ का व्यू देख रहे हो भाई, इतना ज्यादा हेज हो रहा है ना कि पहाड़ तो ऐसा है ना कि पेंटिंग होगी बिल्कुल, और सूरज भी मतलब इवन पेंटिंग लग रहा है कि बादलों के पीछे ढका हुआ है, बिल्कुल भी चमक नहीं है उसमें ज्यादा। और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से गोट विलेज को जो है अलविदा कह के निकल रहे हैं नीचे की तरफ। और नीचे खाई देख रहे हो भाई, भाई साहब एक गलत कदम और आप सीधा वहाँ नीचे घरों के पास। बाकी घर देख रहे हो आप, ऐसे 3-4 घर हैं, एक वहाँ दिख रहा है और एक वहाँ, और इस पूरी जगह पे कोई घर नहीं है। फिर ओ वहाँ पे भाई, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अकेले में। भाई साहब क्या खतरनाक रास्ता है, चलो चल। तो गाइस अभी हम लोग नीचे उतर ही रहे थे, और एक प्यारी सी अपडेट ये है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, और ऑल थैंक्स टू दोस टू गाइस, ये लोग शॉर्टकट लेने के चक्कर में हमें बहुत लॉन्ग कट लिया है मेरे ख्याल से। चलो लेकिन कोई बात नहीं है, होता रहता है भाई। लेकिन यहाँ से व्यू ये देखो भाई, मतलब क्या ही अल्टीमेट व्यू दिख रहा है। बाकी देखो अब नदी में ना रिफ्लेक्शन ही पड़ रहा है। शॉर्टकट के चक्कर में ना लॉन्ग कट हो गया, जो बंदे हमसे पीछे थे वो आगे निकल गए हमसे। और अभी यहाँ पे कितनी बढ़िया चीज दिखी ना, वो दिखाता हूँ अभी आप लोग को। ये देखो भाई इस पूरे खेत पे देखो, ये सफेद सफेद क्या उग रहे हैं, और इतने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं ना भाई। ये देखो भाई मतलब रूइन जैसे लग रहा है, और लेकिन इतने ज्यादा बढ़िया लग रहे ना ये देखो पूरे के पूरे खेत में, और व्यू तो खैर अल्टीमेट ही लग रहा है। कभी कभी खोना भी जो होता है वो फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर हम सिंपल रास्ते आते तो हमें दिखता नहीं है ना, अच्छी बात है हमें नए नए चीजें दिखने को मिल रही हैं। सामने चल रही है अपनी जेसीबी की खुदाई। तो एक अच्छी खुशखबरी, आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे सड़क बन जाएगी गोट विलेज तक, तो जो 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो बच जाएगा आप लोग का। यहाँ देखो भाई अपने लौंडे जेसीबी की खुदाई देखते हुए, सबके सब ऐसे खो के देख रहे ना भयंकर की। अरे रुको भाई, सैटिस्फाइंग है ये, सही बात है। देखो देखो भाई देखो, और कुछ ऑप्शन भी नहीं हमारे पास, ये सुंदर नजारे के साथ जेसीबी की खुदाई। Six and a half hours later. Finally, जेसीबी की खुदाई खत्म हो चुकी है, और हम लोग निकल रहे हैं नीचे की तरफ। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ियों के पास, इस गोट विलेज से 2 किलोमीटर वापस से नीचे आ गए हम लोग। कल रात को हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट करा था। ओ भाई साहब, भाई जो बाइक्स देख के सेंस ऑफ रिलीफ है ना, अल्टीमेट, मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं मैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि फाइनली अब हम लोग अपने छोड़े टिकाने वाले हैं बाइक्स में। बाकी जब हम लोग आए थे ना यहाँ पे तो उसमें इतना अंधेरा था, तो हमें कुछ व्यू नहीं दिखा, लेकिन आते हुए अभी बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा कि वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि व्यू भाई अल्टीमेट लेवल का है, और अभी जाते हुए तो और ज्यादा बढ़िया दिखेगा। बाकी चलिए अब हेलमेट वगैरह पहनते हैं, सामान बांधते हैं, और फिर मैं करता हूँ आप लोगों से बात। ओके भाई देखो पूरा मामला यहाँ पे सेट हो गया, सामान वगैरह हमने बांध दिया है, और ये काम ना बहुत आफत वाला काम है यार, ये बंजी कॉर्ड से सामान बांधने का, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। और एक और बात अभी ध्यान आई बाइक को देख के कि भाई इसके ब्रेक फेल हो गए थे एक बार कल आते हुए, बाकी आज ना पीछे वाला ब्रेक के शायद शू पैड जो है वो बिल्कुल घिस चुके हैं, तो हम कम से कम इनका यूज़ करेंगे। ओ भाई टांगों में क्या ही दर्द हो रहा है भाई, ओई अब 1 महीने तक नो ट्रैक भाई, घर में आराम करेंगे। लग तो रहे हैं भाई, पर वही है ना सीन यार, ऐसा ना हो भयंकर मर बुरा ना जाए, हम दोनों गियर में उतारता हूँ और क्या कर सकते हैं भयंकर। तो भाई देखो ये है कच्चा रास्ता पंतवाड़ी तक, 3-4 किलोमीटर हमें नीचे उतरना है इस कच्चे रास्ते में। कल जब आए थे ना तो एकदम अंधेरा था, और भाई भाई पीछे का ब्रेक के ना भाई बिल्कुल मारना ही नहीं है, तो गियर पर उतारूंगा एकदम हल्के हल्के। तो भाई पता नहीं अब आप लोग को कुछ देखेगा या नहीं देखेगा, हमें नीचे उतरते उतरते रात हो गई यार, मुझे लगा था कि हम उजाले में उतर जाएंगे तो आपको नीचे खेत दिखाता हमें, बहुत सुंदर खेत है यहाँ पे, लेकिन भाई ये मतलब बाइक अब 18 की स्पीड में चला रहा हूँ, 17 की स्पीड में, तेज चला नहीं सकता हूँ,
क्योंकि भाई फिर से अगर ब्रेक फेल हो गया ना तो भाई वो मैं ड्रामा नहीं चाहता दोबारा भाई, बहुत हालत खराब हो गई थी उस दिन। बाकी देखता हूँ अगर नीचे खेत दिखेंगे तो दिखाऊंगा आप लोग को, वरना किसी मैकेनिक पर रुकते हैं पहले, इसका चेकअप करवाते हैं भाई कि हुआ क्यों था। वैसे जिन लोग को पता नहीं है ना उन लोग को बता देता हूँ कि जब हम लोग नाग टिब्बा का ट्रैक करने आ रहे थे ना, तो आते हुए भाई इस बाइक के ना ब्रेक फेल हो गए थे, मतलब चौम हल्की स्पीड में था, अगर तेज स्पीड होते ना भाई तो हो गया था काम। बाकी अगर वाली वीडियो देखती है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। चलो ठीक है भाई, पहले ऑफ रोड खत्म करते हैं, फिर करता हूं आप लोगों से बात। तो गाइस द ट्रिप इज ओवर। बाकी हम लोग ना कल रात को काफी ज्यादा लेट पहुंचे थे तो इसलिए मैंने कंटिन्यू करा। और अबाउट द ब्रेक फेल जो मेरी बाइक में हो गए थे तो हम लोगों ने अभी दिन में दिखाए थे, तो पता चला कि भाई ब्रेक शू ना एकदम खत्म हो गए थे। तो ब्रेक शू ही नहीं होंगे, लोहे से लोहा टकराएगा तो क्या ही होगा ना भाई, ब्रेक फेल ही होंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। बाकी आप लोग के लिए एक टिप और मेरे लिए भी एक टिप भाई, कि जब भी कहीं लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं ना तो ब्रेक शू तो एटलीस्ट चेक करके जाओ, अदरवाइज ऐसा कुछ कांड हो जाता है तो भाई मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। लेकिन ठीक है, जैसा भी है, ऑल गुड ऑल सेफ। बाकी पता नहीं आप लोग को याद है या नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत पहले, करीब सालों पहले मैंने एक बाइक बुक कराई थी जिसकी डिलीवरी मुझे आज तक नहीं मिली। तो देखो बाइक तो आ नहीं रही है, लेकिन उस बाइक के लिए अपन ने देखो एक नया हेलमेट खरीदा है, तो आप लोग को दिखाते हैं अभी है। तो जी ये जो हेलमेट है ना, ये हमने लिया है स्टीलबर्ड का एरोनॉटिक सीरीज का पता नहीं क्या नाम है, मैं बता दूंगा स्क्रीन में डाल दूंगा जो भी नाम है। बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं, वैसे मैं तो कर चुका हूँ लेकिन आप लोग को दिखा देते हैं एक बार। तो जी देखो ये रहा अपना हेलमेट, ब्लैक कलर का मैंने लिया है क्योंकि ब्लैक कलर की बाइक है ना, मैंने सोचा ब्लैक कलर का इसे लेगा। बाकी मैंने और भी हेलमेट देखे थे और एक हेलमेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो पहले तो आप उसकी फोटो देखो भाई, कसम से ना भाई क्या ही हेलमेट था, लेकिन इसका प्राइस भी क्या ही था। बाकी मैंने अपने वॉलेट को देखा, मेरे वॉलेट ने मुझे देखा, वॉलेट ने कहा भैया कि गलती से भी सोच ना लियो, तो इसलिए मुझे वो जो है ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन इन फ्यूचर मैं जरूर ले लूंगा, लेकिन अभी जो ये हेलमेट लिया ये मुझे पड़ा है 2700 का, विच इज आई थिंक अ गुड डील। पैडिंग भी मतलब सब कुछ बढ़िया लगा मुझे इस हेलमेट में, और इवन लुक वाइज तो भाई काफी एकदम। बाकी जो हेलमेट मैंने अभी आप लोग को दिखाया था उसमें लिखा था ना द बैटमैन, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लिखाता हूँ द बैटमैन नहीं, मैं लिखाऊंगा यहाँ पे ट्रैवल बग। तो बाकी कैसे लगेगा मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मुझे लगता है कि काफी सही लगेगा कि यहाँ पे जब ट्रैवल बग लिखा होगा और तुम्हारा भाई जब जाएगा बाइक में, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, पहचान भी जाएंगे ना, एक तरीके से पहचान बन जाएगी। तो सोच रहा हूँ मैं करवाने की। बाकी किसी को पता है ये कहाँ से होगा, मतलब ग्राफिक्स वगैरह जो होते हैं शॉप वगैरह, किसी को पता हो या किसी की हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।